पंजाब में अभी एंट्री दे दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इलेक्शन भी वो वहाँ से लड़ रहे हैं, तो किस हद तक टफ टाइम देने के लिए आप लोग तैयार हैं नून लीग को, चूंकि वहाँ आपको नून को टफ टाइम देना है और यहाँ MQM और नून मिलकर सिंध में आपके खिलाफ जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये अब कैसे टैकल करना है अकेले इन तमाम जमातों को? जी, अगर मैं आपको थोड़ा सा 2 साल पहले ले जाऊं, मेरे हल्के में NA 242, जो पुराना नाम 249, इस वक्त मैं बैठा हूं बलिया टाउन कराची में, यहां पूरा PDM का कैंडिडेट था मियफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के थे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब चौथे नंबर पे आ गए और PDM को शिकस्त दे के पहले नंबर पे मैं पीपल्स पार्टी आए और PTI छठे नंबर पे चली गई। तो अब कराची में तो कोई लेना देना नहीं है नून लीग का, MQM की सीटें है यकीनन, कोई शक नहीं है, मगर जहाँ जहाँ पश्तून आबादी है, हजाराबाल है, सिंधी है, बलोच है, वहाँ MQM कुछ नहीं है। लेकिन उर्दू स्पीकिंग उनके पास है, हमारे हमारे साथ भी है यकीनन, कैंडिडेट पता चले। लेकिन जहाँ आपने लाहौर की बात की या उसकी बात की है, पंजाब की बात की है, यकीनन आपको पंजाब को ये सकता हूँ कि PTI के 90% लोग जो PTI में है वो पीपल्स पार्टी से गए हुए। और आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब जब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया लाहौर में, तो PTI के लोग जो पीपल्स पार्टी के एक्चुअल थे वापस आ गए पीपल्स पार्टी में, आ रहे थे। तो नून लीग ने IPP उतार दिए है चेतों की मदद से, और इसी तरह जो खुनखा में था वहाँ परवेज खटक साहब उतार दिए, लॉन्च कर दिए। और फिर बलूचिस्तान की अगर आप बात करो, जो चंद लोग पीपल्स पार्टी में थे वो बाप पार्टी के, वो वापस नून लीग में चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस वो भी आना शुरू हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में बैठेंगे, और लाहौर का इंतखाब बड़ा खुशाइन भी है इस वजह से कि असल जो बैटल फील्ड है वो है पंजाब, लाहौर है। यानी आप देख रहे हैं कि 141 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो बैटल फील्ड सियासी अगर मैं कहूंगा तो वो पंजाब है। तो इंशाल्लाह हम अपना इसे एक किरदार अदा करेंगे। और फिर आपको ये भी बता तो चलूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर चतराल से लेके अंगू तक, अंगू से लेके क्वेटा तक, लड़काना तक और पंजाब के शुरू तक अगर जलसे सब ज्यादा किए तो पीपल्स पार्टी ने किए, बिलावल भुट्टो साहब ने किए। नवाज शरीफ साहब तो अभी तक वही नाइली का तलवार सर पे लटक रहा है। मैं पिछले 2 महीने से ये बात करता आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब नाहल है ताहयात, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुस्लिम लीग ने उनके दोस्त और इवन के मोहतरम जाफर इकबाल साहब भी मेरे साथ एक शो में थे, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि नहीं जी इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो गई है। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि इलेक्शन एक्ट की कोई हैसियत नहीं है, आइन की आर्टिकल 62 और 63 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने जिसको नायब करार दिए है जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ साहब को, वो 62(1)F के लिए कोई सजा या कोई बरी होना जरूरी नहीं है, वो एक अपने तौर पे एक इख्तियार है, ऐसा करते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा कि ये जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच या फुल बेंच बैठेगा और वो इनका फैसला करेंगे। तो आज वो सब बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिटर्निंग अफसर ने उनके कागज मंजूर किए वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तो भी आपने ये अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आखिरी बात कानून और आर्टिकल आप बता रहे हैं इनके, तो ये क्या जी अच्छा मुकम्मल करें जी जी मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब हयात नायल हो, मगर मैं एक कानून के तालिब इल्म के हिसाब से हमेशा ये बात करता रहा कि नवाज शरीफ साहब की नायली इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम कही गई है उससे खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां उन्होंने 5 साल किए, आईन का आर्टिकल 62(1)F अपनी जगह पे मौजूद है, गो के उसमें तय नहीं किया गया, गो के उसमें ये नहीं लिखा कि किस सजा कितने होगी, मगर चूंकि जहां इस तरह कंफ्यूजन हो उसकी तशरी करती है सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है तायात का। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ नायल हो, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला दे, मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी नवाज शरीफ साहब जागीर नायल रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।